एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 बैच के लिए हुआ था, तो देखिए अभी पूरी काउंसलिंग पूरी फिनिश हो चुकी है और इस समय स्टे राउंड एकदम लास्ट राउंड काउंसलिंग चलने वाली है। तो देखिए स्टे राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड आज सीट मैट्रिक्स आनी चाहिए। सीट मैट्रिक्स आ जाएगी तब आप कल से तो वैसे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, तो आज सीट मैट्रिक्स आनी चाहिए कि कितने गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में सीटों की संख्या कितनी है टोटल, और अगर टोटल है तो किस कॉलेज में कितनी सीट है, यही मेन है। तो आप लोग काउंसलिंग कराने के लिए सीट मैट्रिक्स का वेट जरूर करें, तभी रजिस्ट्रेशन कराएं। ऐसा नहीं है कि कल रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया तो कल से आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, पहले सीट मैट्रिक्स का वेट कर लें। वैसे आज अभी तो टाइम 6 बज रहा है शाम को, देखिए आप वेट कर लीजिए 6-7-8 बजे तक आज शाम को आनी चाहिए, नहीं आती है तो कल का भी वेट कर लीजिएगा, तभी आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और देखिए कॉलेज को आप एकदम 100% पहले कॉलेज अपने अपना कॉलेज से मतलब सेवर हो जाइए कि मुझे इसी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना है, और कॉलेज की देख लीजिए प्रायोरिटी, मतलब उस कॉलेज की फैसिलिटी क्या है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी रूरल एरिया में गांव एरिया में बना हुआ है और उस गाँव से मतलब वहाँ फैसिलिटी नहीं है, वो नर्सिंग कॉलेज तो है लेकिन वो कोई आपके हॉस्पिटल में कोई प्रैक्टिस नहीं कराएगी, कोई पोस्टिंग नहीं लगवाएगी, फिर उससे कोई मतलब नहीं होगा करने से, क्योंकि नर्सिंग का मतलब ही होता है कि सीखना। तो अगर सीखेंगे तभी फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का मतलब आपको जॉब भी करनी रहेगी या प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में। तो इस चीज़ों से आप थोड़ा सा सावधान रहें और अच्छे से देख लें कॉलेज के बारे में, फिर उसके बाद ही एडमिशन लें, और किसी के कहने से एडमिशन इधर उधर डायरेक्ट जाके कॉलेज में एडमिशन ना लें, तो पूरा प्रोसेस के थ्रू ही जाके एडमिशन पूरा कंडक्ट अपना पूरा कंप्लीट कराएं। ये चीज़ पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जा रही है, इसलिए कि काफ़ी स्टूडेंट फ़ोन कर रहे हैं कि मैं यहाँ से डायरेक्ट एडमिशन ले रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना, इसीलिए मैं कभी किसी का नंबर नहीं दिया, मेरे अकॉर्डिंग एडमिशन हो सकते हैं लेकिन मैंने कभी ये सब चीज़ें इसीलिए मैं नहीं शेयर करता। काफ़ी स्टूडेंट मेरे भी पास फ़ोन आते हैं, मेरे यूट्यूब से नंबर लेके फिर फ़ोन करते हैं सेटिंग वाले जो डायरेक्ट आपका एडमिशन करा देंगे, लेकिन आपको ऐसे चीज़ें से बचना है। तो अभी देखिए लिंक यहाँ पे एक्टिव नहीं की गई है, जैसे ही सीट मैट्रिक्स आती है आपको तुरंत सूचित करेंगे और हर एक डाउट को क्लियर करेंगे कि कौन से कॉलेज में बेस्ट होगा आपको एडमिशन लेने में। तो थोड़ा सा वेट करें, सीट मैट्रिक्स आने के बाद ही आप प्लीज़ रजिस्ट्रेशन तभी कराएंगे। और देखिए गवर्नमेंट सीट काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरे 100 नंबर हैं, मेरे 110 हैं, मेरे 115 हैं, क्या मुझे गवर्नमेंट सीटें मिल जाएंगी। तो 120 के ऊपर ही मान के चलिए, अगर 50 से लगभग 40-50 सीटें ही खाली रहेंगी गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में ज़्यादा सीटें नहीं हैं। प्राइवेट में जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो पहले उस कॉलेज को अकॉर्डिंग मतलब उस कॉलेज का एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप उस कॉलेज को वहां पे चूज करेंगे, क्योंकि एक ही दिन का मौका रहेगा, आप उसी दिन कॉलेज वहां पे जाएंगे जहां पे आपके लखनऊ में मैंने बता ही दिया है कि लखनऊ पे किस जगह पे बेनू में आपका जो बीनू है प्लेस है कहां पे आपका जो काउंसलिंग चलेगी। यहां देखिए यहां पे लिंक दे दिया गया है गूगल मैप का, तो आप इनके पे आएंगे ना, इस पे देखिए जैसे गूगल पे इस पे टिक करेंगे ना आप मैप पे ही चले जाएंगे कि जहाँ पे आपका ये काउंसलिंग प्रोसेस पूरा लखनऊ में चलने वाली है, तो एक गूगल मैप ही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप डायरेक्ट मैप अपना सेट करिए और मैप से आप कोई दिक्कत तो होगी नहीं, और कहाँ पर होगी सब चीज़ वीडियो बन चुकी है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी इस चैनल के थ्रू। और 2024 के लिए जिस स्टूडेंट को प्रिपरेशन करना है प्रीवियस वीडियो का रिविजन, ये समझिए कि 5 सितंबर अगस्त चल ही रहा है, अगस्त सितंबर सितंबर से आपके क्लासेस चलने लगेंगी यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा वेट करें, 5 सितंबर से प्रीवियस क्लासेस मैं स्टार्ट करूँगा। तो चलिए अभी वेट कर लीजिए सीट मैट्रिक्स का, थैंक यू।